जीतने के बाद मंत्री पद प्राप्त कर लौटे जसपा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र विधायक विक्रम ठाकुर का पूरे चुनाव क्षेत्र में बड़ी गर्मजोशी से लोगों ने स्वागत किया। विक्रम ठाकुर हिमाचल कैबिनेट में उद्योग, श्रम एवं रोजगार और तकनीकी शिक्षा मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपने चुनाव क्षेत्र की पंचायत सातला होते हुए पीर सुहली, जोटली, चमुहा, रक्कड़, कलोहा और बनी होते हुए प्रागपुर पहुंचे। पूरे चुनाव क्षेत्र में लोग जगह जगह इकट्ठे होकर मंत्री के स्वागत के लिए खड़े थे। लोगों ने जगह जगह विक्रम ठाकुर का भव्य स्वागत कर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने पीर सुहली में लखदाता मंदिर और चमुखा मंदिर में माथा टेक कर इलाके की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। विक्रम ठाकुर ने सभी जगह बड़ी विनम्रता से लोगों की मुबारकबाद कबूल की और लोगों का धन्यवाद किया। प्रागपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आतिशबाजी के बीच उनका स्वागत अभिनंदन किया। प्रागपुर में उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए वह लोगों के अपार स्नेह और आशीर्वाद से अभिभूत हैं और वह पूरी शक्ति से इलाके के लोगों को हर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। इलाके का विकास उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी और विकास की लौ को गांव के अंतिम वर्ग तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। इस दौरान उन्होंने विश्राम गृह प्रागपुर में लोगों की समस्याएं भी सुनी। किस क्षेत्र की प्राथमिकताएं क्या है, मैंने जानता हूँ इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए। मैंने जानता हूँ कि सड़कें कटी फटी हैं, पानी की समस्या है, कई कई जगह ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहां पर टीचर नहीं है और बहुत सी ऐसे दफ्तर हैं जो दुकानों में चल रहे हैं। इन सारी पीड़ा को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। लेकिन मित्रों, आज आपके आशीर्वाद से इतना बड़ा काम मुझे करने को मिला है। पूरे प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र के विकास की जिम्मेवारी मेरे ऊपर दी गई है। टेक्निकल एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा उसकी जिम्मेवारी मुझे दी गई है। मुझे लगता है कि उस जिम्मेवारी में आप मेरे भागीदारी बनेंगे, उस जिम्मेवारी में आप भी मेरा सहयोग देंगे।